Assalamu alaikum, my name is Mohammed Furqan Sikandar and I got 192 marks out of 200 in UHS MDCAT Punjab 2023 और 192 marks के साथ मेरी पूरे पंजाब में ओवरऑल सेकंड पोजीशन भी थी UHS के MDCAT में. इसके लिए सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है और अपने टीचर्स और पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि उन्होंने बहुत यू नो स्ट्रगल की, हार्ड वर्क की मेरे साथ साथ और मुझे सपोर्ट किया और मुझे मोटिवेट किया और मेरे साथ मुझे स्टिमुलेट करते रहे. चले मैं कुछ आपको अपने बारे में बताता हूँ कि यू नो मेरी जो एजुकेशनल जर्नी थी वो कैसी थी, जब अपने स्टार्ट से लेके और MDCAT तक आने तक यू नो बेस से लेके तो पीक तक यू नो मेरी एग्जीक्यूशन तक कामयाब यू नो मिक्सर एक इंसान को बनाने के लिए, उसके टॉपर बनाने के लिए, MDCAT को यू नो एक ऐसे हाई कंपटीशन टेस्ट को अचीव करने के लिए जो है वो कोई 4 महीने 5 महीने में आप नहीं कर लेते. इसे आपको पूरी आपकी पूरी बेस आपकी पूरी ज़िंदगी यू नो मैटर करती है कि आप किस तरह सोचते हैं, आपका रवैया क्या है, अखलाक क्या है, आपके अखलाकियात बहुत मैटर करती है, आपकी रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है, यू नो आप किस तरह से टीचर को रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरी चीज़ें यू नो आपकी एजुकेशनल बेस कैसी है, आपने कैसे स्कूलिंग कैसी है, आपकी कॉलेज कैसा था, आपका फ्रेंड्स कैसे हैं, आपके फैमिली में आपके क्या यू नो वो हैं, फैमिली का आपका इन्वायरमेंट कैसा है, किस तरह से आप यू नो घर में रहते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं एक बच्चे को. क्योंकि स्टडी पे फोकस करना जो है वो आसान नहीं होता है, ठीक है, और वो हालांकि बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, एवरीथिंग इज़ फन एंड एवरीथिंग इज़ यू नो इंटरटेनमेंट. इन चीज़ों ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तभी एक यू नो अमलगम बनता है बच्चा जो है ना वो समझ लें ग्रिगनर रीजेंट यू नो वो बन जाता है दोनों का यू नो अमलगम बना के उस सब चीज़ों का, जो कि एक बहुत यूजफुल चीज़ होती है. यू नो ग्रीन रीजेंट द मोस्ट reactive and useful and it gives the highest yield if I'm not wrong, you know in organic chemistry वो सबसे peak की जो yield देती है हर चीज़ में. यह you know एक MDCAT का MCQ लिख लेना कि you know जब कहता है वो हमें chemistry के अंदर second year के अंदर कि जो alkylides हैं उनकी maximum yield हम हासिल कर सकते हैं best preparation का method है alcohol से हासिल किया जाए, और हमारी glossary के अंदर ही लिखा हुआ है PTB की कि अल्कोहल्स को बेस्ट हासिल करने का जो तरीका है वो है ग्रिगनर रिएजेंट. तो जो ग्रिगनर रिएजेंट बनता है उसको बनाने के लिए भी कोई स्टेप्स होते हैं ना, एक स्टूडेंट को अगर टॉप करना है उसने तो उसके लिए भी कोई स्टेप्स होंगे, उसकी यू नो जर्नी में भी चीज़ें होंगी. एक्चुअली मैं गांव में पैदा हुआ था, यू नो सियालकोट ज़िला के एक गाँव है, वहाँ पैदा हुआ और वहाँ पर प्रेप वहाँ तक पढ़ी, वहाँ पढ़ी फिर लाहौर आ गया और फिर लाहौर में आकर फर्स्ट क्लास क्लास वन पढ़ी और फिर यू नो फाइनली फिफ्थ क्लास के बाद होते हैं टेस्ट गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल लॉयर मॉल हाई स्कूल यू नो इधर लाहौर में, लाहौर के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में से एक है और यहाँ पर भी एंट्री टेस्ट देना पड़ता है आपको यू नो दाखिला लेने के लिए. यू नो जो लाहौर में रहते हैं उन्हें पता है कि लाहौर के एक आइडियल स्टूडेंट का पास क्या होता है, वो यही होता है गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज GCU, एक सड़क पार की GCU में चले गए और फिर 2-3 सड़कें यू नो पार करके साथ ही है किंग एडवर्ड. सो इजी जर्नी है, यू नो इजी पाथ है, आराम से बंदा गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल 5-6 साल यू नो आदत हो जाए उस वहाँ तक जाने की घर से तो कोई मसला नहीं होगा. फिर अब GCU वहीं पे है, ठीक है, वहीं पे जाना है, फिर आगे थोड़ा सा आगे के ही है. तो मैंने जो MDCAT की तैयारी वो की थी स्टेप से, पंजाब कॉलेज का एक यू नो इनिशिएटिव है और बहुत बेहतरीन है उनका सिस्टम, उनका टेस्ट सिस्टम यार बहुत कमाल है उनका जो है ना वो अनकम्पेरेबल, ठीक है. उनको मैं तो जब MDCAT का टेस्ट दे रहा था तो मेरे लिए ऐसे ही था, यू नो जुबेर ने भी इसकी बात की थी, वो ऐसे ही था कि जैसे मैं यू नो MDCAT का अपने स्टेप्स का टेस्ट दे रहा हूँ. मुझे तो जो क्वेश्चन आ रहे थे मैं देख रहा था, मैं देख ही जा रहा था, वो ये तो मैंने किया हुआ, ये भी किया हुआ, ये भी किया हुआ, ये भी किया हुआ, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थे वो मैंने ऐसे लग रहा था कि मैं एक स्टेप का पेपर उन एस्पायरेंट्स के जिन्होंने 2024 में MDCAT देना है और जो क्वेश्चन करते रहते हैं या आगे 25 में देना है, यू नो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो पूछते हैं फेसबुक पे या कहीं भी जाएँ, बाहर जाएँ किसी अकेडमी में या इंस्टीट्यूट में, तो उनमें एक इनक्विजिटिवनेस होती है, यू नो ये कि यार इस बंदे ने कैसे इतने मार्क्स लिए और इसने क्या किया, कैसे पढ़ता था, क्या है, कौन से यू नो बादाम खाता था, ठीक है, और किस तरह से ये इसने इस माइलस्टोन को अचीव किया और सेकंड पोजीशन ओवरऑल हासिल की, उसके लिए क्या करना पड़ता है, अपने आप को अगर अपने डॉक्टर की सीट यू नो कन्फर्म करनी है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं,
इसने क्या क्या लिए, कैसे लिए, किस तरह से पढ़ा, कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ा, कौन से टीचर से पढ़ा, उन्होंने इसे कैसे पढ़ाया, इसने कैसे चीज़ों को कॉन्सेप्ट को कंज्यूम किया, उन्हें अरेंज किया, कैसे अपनी स्टडी को इफेक्टिवली लेके चला, एंड में आकर भी जो है वो जब एक टाइम आता है कि नो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हो और आप समझते हो यार मेरे से तो नहीं होगा, तो उन टाइम्स में कैसे अपने आप को मैनेज किया, क्योंकि मैं अभी अभी रिसेंटली ही मैं इस स्टेज से होके आया हूँ और मुझे सब चीज़ों का पता है कि जिससे स्टूडेंट गुजरता है उसके डिलेमाज, उसके सारे कन्फ्यूजन, उसकी सारी यू नो ट्रॉमाज, मेंटल ट्रॉमाज होते हैं हमें मिलते रहते हैं अपने टेस्ट के रिजल्ट की, हम समझेंगे कि क्या चीज़ यू नो हमें ज़रूरी होती है MDCAT में, क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरह से लेके चलना है स्टडीज़ को, किस तरह से अपने टीचर्स को देखना है, उनको पढ़ना है, उनको समझना है, बुक्स को कैसे देखना है, उनको कैसे लेके चलना है, और अपने यू नो अपनी लाइफ को कैसे आपने मैनेज करना है इन महीनों में, इन सालों में, और इन चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि यू नो सारे स्टूडेंट जो भी पूछ रहे हैं, जो भी पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं सकते, तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे नज़र आया। मैं एक बहुत अच्छा यू नो लफ्ज़ बोलना चाह बहुत अच्छा जुमला बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि पाकिस्तान में डॉक्टर बनना सारी दुनिया में डॉक्टर बनने से सबसे ज़्यादा आसान है, ठीक है, अगर आप कंपेयर करके देख सकते हैं किसी भी कंट्री के साथ, वहाँ पे इंडिया साथ देख लो यार, इंडिया में देख लो बहुत मुश्किल है वहाँ पे डॉक्टर बनना, ठीक है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और बहुत ज़्यादा प्लांट्स भी पढ़ने पड़ते हैं, फंजाई भी पढ़नी पड़ती है, प्रोटिस्टा भी पढ़ना पड़ता है आपको, फिर जो है वो फिजिक्स के आपको ऐसे यूनिट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, पहला चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा, दूसरा वेक्टर्स भी पढ़ने पड़ेंगे, स्केलर्स पढ़ने पड़ेंगे, क्वांटिटीज पढ़नी पड़ेंगी, टेंसर्स पढ़ने पड़ेंगे, रेशोज, प्रोपोर्शंस एंड मैनी थिंग्स यू नो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा होगा सिलेबस आपका, और हमारा MDCAT जो है वो तो चिल सीन है ना, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है, ईजीली एक बंदा अगर रोज़ाना का पढ़ता है और वो ईजीली उसको यू नो मैनेज करता है जिस तरह से कि यू नो स्टूडेंट्स को करना चाहिए, तो इसमें कोई मसला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत ईजीली आप जो है ना वो टॉप कर सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो। आई माई सेल्फ यू नो MDCAT का ही स्टूडेंट रहा हूँ और अभी अभी मैंने MDCAT दिया है, तो मुझे यू नो मोस्ट चीज़ों का पता है और बहुत अच्छे से पता है कि कैसे एक स्टूडेंट यू नो स्ट्रगल करता है MDCAT के अंदर, कहाँ कहाँ पर वो कन्फ्यूज़ होता है, तो ये सबसे पहले तो ये बताना ना आपको कि यार मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ और मैं जो आपको एडवाइस करूँगा, जो आपको बताऊँगा चीज़ें किस तरह से अपने MDCAT को यू नो सक्सेसफुली अचीव करना है, किस तरह से आपने 190 मार्क्स, 195 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, इवन 200 के को आपने कैसे टारगेट करना है, किस तरह से आपने उसके लिए पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें यू नो ज़रूरी होती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इस चैनल पर। अभी तो फिलहाल टाइम है, जब तक एडमिशन नहीं होते तब तक आपके साथ यू नो मैक्सिमम टाइम आपको देने की कोशिश करूँगा, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अगर जब बाद में स्टडी में यू नो बिज़ी हो जाएंगे फिर कम हो जाएगा। फिलहाल अगर आप जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप मैक्सिमम मेरे से यू नो क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपकी कन्फ्यूजन्स होंगी वो उनको हम यू नो डील करेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से डील करेंगे, क्योंकि मैं भी आपको फ्रेंड्स के तौर पर ही यू नो ट्रीट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें हमारे जहन में चल रही होती हैं जब हम MDCAT पढ़ रहे होते हैं कि यार ये इतने स्टूडेंट्स हैं और क्या मेरा होगा नहीं होगा, यार अगर ना हुआ तो क्या हो जाएगा, यार मेरा तो कोई यू नो फ्यूचर नहीं होगा और मैं क्या करूँगा अगर मैं इसको यू नो कम्पीट ना कर सका इतने बच्चों के अंदर। तो ये मेरी थी इंट्रोडक्शन वीडियो, मैं आपसे यू नो एक इंट्रोडक्टरी इंटरेक्शन करना चाहता था, खुल के आपसे बात करने की, थोड़ा सा अपने अंदर यू नो एक एनर्जी पैदा करना चाहता था। ये तो होगी वीडियो, ठीक है, आपने मुझे यू नो अपना रिस्पांस भी देना है, आपने बताना है कि हाँ भाई मैं इसको कंटिन्यू करूँ, क्या आप मेरे से यू नो मेरे सुनना चाहते हैं, मेरे स्टेप्स को देखना चाहते हैं, मेथड्स को पढ़ना चाहते हैं, आप मेरी तरह से यू नो अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी से किंग एडवर्ड से बनना चाहते हैं, तो आपने मुझे बताना है, आपने कमेंट करने हैं, आपने यू नो फेसबुक पे क्वेश्चन करने हैं, फिर इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस करने हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैं देखूंगा तो, और फिर जो है वो उन पर वीडियोज़ बनाऊंगा।